अपना विश्रोन हाँ कितने साल हो गए इस गैंग में घुस के आठ साल से परेशान कर रहा। क्या परेशान कर रहा था उसको, क्या क्या तकलीफ दे रहा था, जोर से बोल क्या क्या तकलीफ दे रहा था, जोर से बोल। हाँ जोर से बोल, हाँ जोर से बोल, क्या क्या तकलीफ दे रहा था। हाँ क्या क्या तकलीफ दे रहा था उसको, जबान से बोल, जबान से। हाँ चक्कर ला रहा था, हाँ मुंह सुजा दिया अभी उसका, आधा शरीर पकड़ लिया था उसका पूरा अंदर से सही, पूरा दिल तक, नीचे तक, कलेजे तक। हाँ तेरे लग भी मती, आग लगा दिया था आठ साल से पेशाब में, आग लगा। हाँ और जोर से, और जोर से, हाँ और जोर से, हाँ जोर से, जोर से। हाँ काय मन ले होते, जीव के मन ले होते, चतुला हाँ जबान से बोल, जबान से, हाँ या ना, जान ले बोले उसकी, हाँ बीमारी बदल के जान ले बोले। हाँ कहाँ से लाए थे तुझे, कुटुन आन ले होते, शमशान कब्रस्तान, कहाँ से लाए थे, शमशान कब्रस्तान से, कब्रस्तान, कितनी वर्ष जहाँ झाले है अंगा मधी तुला विसरून, हाँ कितने साल हो गए इस गैंग में घुस के, आठ साल से परेशान कर रहा। क्या परेशान कर रहा था उसको, क्या क्या तकलीफ दे रहा था, जोर से बोल, क्या क्या तकलीफ दे रहा था, जोर से बोल। हाँ जोर से बोल, हाँ जोर से बोल, क्या क्या तकलीफ दे रहा था। हाँ क्या क्या तकलीफ दे रहा था उसको, जबान से बोल, जबान से। हाँ चक्कर ला रहा था, हाँ मुंह सुजा दिया अभी उसका, आधा शरीर पकड़ लिया था उसका पूरा अंदर से सही, पूरा दिल तक, नीचे तक, कलेजे तक। हाँ तेरे लग भी मती, आग लगा दिया था आठ साल से पेशाब में, आग लगाया था उसके। हाँ और क्या तराज दे रहा था उसको, नलडा पकड़ ले रहा था उसका, बोलने नहीं दे रहा था, जीव का वह घेना होता, अमुशेला पूर्णिमाला जान कब लेने आता उसकी, अमास में पूनम में। जोर से बोल, जोर से, और ताकत लगा जोर से, अमास में। तुझे लाए थे कहाँ से पकड़ के, शमशान के कब्रस्तान, 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 शमशान, कुटल्ला शमशान होता थे, परमनी का, परमनी के बाहर का, हाँ कहाँ के शमशान से लाए थे, परमनी के बाहर का, परमनी के बाहर, खेड़ा था क्या, कहाँ का खेड़ा, खेड़े के, कौन सा खेड़ा, नाम खेड़े का नाम, जल देना तो जला दूंगा यहाँ, था तेरा पूरा भस्म कर दूंगा। हाँ काय शमशान भूमि चे गाँव चा नाव काय आहे ते, सांग लव करने तो सब जला के रख करूंगा, जल्दी बोल। कुटल की शमशान भूमि होती ते, नाव नाव नाव, जिंतुर रोड सताएंगा उसको अब। अच्छा कशा मधी मिसळून खाव घातले होते हेला, कशा मधी मिसळून खाव घातले होते हेला, काय होता ते, दवा जी आणलेली होती शमशान होऊन तर कशा मधी मिसळून खाव घातले होते हेला, सांग काय होता ते, काय होता ते, दूध, दूध होता, किती वर्ष झाले पिला के उसको, कितने साल हुए, आठ साल हो गए, आठ साल से परेशान कर रहा था तू, अरे जीव कवा घेना होता, अमुशाला पूर्णिमाला, अमुशाला बीमारी बदल के सुसाइड करा के, सुसाइड कराने वाला था इसको, सुसाइड कराने वाला था तू, कैसा फंदा डाल के मारने वाला था, एक्सीडेंट करा के, फंदा डाल के, कैसा फंदा डाल के, फंदा डाल के, अब मारेंगे अब,
हाँ अब घेत ना रहते जा जीव तू, हाँ तेरे बाप का राज चल रहा कमीने, चकड़ो उसको आंख लगाओ उसके अंदर से ही। तो बतो बमन नहीं तो दोनों यहाँ तक का पुंटाक ना तुझे, जोर से बोल तो बतो बा, जोर से बोल काय नाम होता तुम जो पोरा से आए सचिन जादो की लेता अब जान नहीं जादो है क्या उसका नाम लेता अब जान नहीं तो बाकर चल तो बाकर दवा कुटा है तेरे पोटा मधी बस ले लिया है का दिमाग मधी सड़ून कुटा बस ली ते दवा कुटा बस ले लिया है पोटा मधी समझे शरीर को तकलीफ दे रही हूँ अंदर से घुस के चल तो बाकर निकल चल साले दूसरी चक्कर में जाके सब नामा याद करके आना ते लोका कौन होते हेचे आता नहीं बेचारा लाग ले मित ना हो दूसरी चक्कर में पूछूंगा कौन थे किसने खिलाया क्या नाम था क्यों खिलाया क्या मकसद था सब याद करके आके बोलूंगा समझ गया चल निकल पानी पिलाने का दो इसको किधर तुम्हारी बाटल लाओ इधर खोलो उसको खोलो उसको ढक्कन सील पैक है क्या इधर हाथ पे डालो मेरे चल बट चल बट अरे सचिन पानी दे ताला पा दे थोड़ा पानी पिलाओ इधर रहो भाई सामने कहाँ से आए थे कुठून आले होते तुम्हें आनंदनगर परभणी तुम्हाला हिंदी येते का सांगायला कहाँ से आए थे स्टेशन के बाजू में आनंदनगर कौन से गांव में रहते यहीं से रहते परभणी में अच्छा कितने साल से त्रास है इसको 10-12 साल हो गए त्रास के कितने साल से 10-12 साल से त्रास है छाती 10-12 साल में उसको तुमने दुआ पानी वो सब करे होंगे करे बाहर का भी बताए होंगे बताए तो कहीं फर्क हुआ था क्या नहीं मस्जिद में लेके गए हाँ। जरा अच्छा दिखता फिर वैसे के वैसे और उसको कहीं हाजिर हुआ क्या नहीं तो चांग मदी होना सांगला का कूटा यहाँ हाजिर हुआ क्या हुआ। सामने सवाल जवाब हुए क्या हुआ। कितने चक्कर में आने के बाद सवाल जवाब तुम कितनी बार आए यहाँ पे अभी पहली बार आए पहली बार में हाजिर होगा पहले दवा खाने को बताया क्या उसको दवाखाने में बताया रिपोर्टों में क्या आ रहा था उसका ऑपरेशन करो बोल रहे थे कहे का मुत खड़ा हुआ बोल रहे थे अब यहाँ क्या निकला सामने देखे हाँ अब तुम्हारे सामने चाहे ना पूरा आके बयान करा एक भाई ने बोले तुम्हारा पता उससे हम इधर आए तुम्हारा हाँ। अब यहाँ आने के बाद समाधान हुआ क्या सामने आए क्या पूरा बात खुद बखुद उसके मुँह से समाधान अरे तेला विचारा भी ऐसे अलग ले होते थे मना मधी बोलते थे घाला लागला होता थे जे शया है तर जे तंतर के तेला सुसाइड कर मनु घर में कुछ कर रहा था क्या उन्होंने सुसाइड करने की हरकत खाली गुस्सा कर रहा था मैं फांसी लेता बोल रहा था मेरे को बोले दन 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 आप कुछ लेता था हाँ देखेगा यहाँ पे कैसा राइट करते तो यहाँ सब अलग कलाम का है और दूसरी बात अब उसके बाद के चक्कर में सब नाम वामा पूछेंगे कौन डाले थे क्या गोष्ठी है तो देखो 8-8 साल से उसको तकलीफ थी उसके अंदर वाले का कहना है और इनको मालूम है 8-10 साल से अब एग्जैक्ट सामने डेट आ गया कौन करा था क्या करा था वो आगे नामों के साथ पूछा दूंगा इधर से ठहरो तुम्हारे को आगे सब नामा भीमा सब पूछा दूंगा कौन करे थे क्या करे थे मगर जिसकी भी नाम निकले उसको लड़के झगड़ कम वो उसका इधर से पूरा ऐसा आधा शरीर पकड़ लिया था ऐसा यूं उसको क्या क्या परेशानी आप देते हैं जो भी लगाया था उसमें बहुत कुछ है रिगार्डिंग में देख लो पता चलेगा और उसको पेशाब में जलन भी कर रहा था वो कितने साल से 8 साल से और उसको कहीं पिलाया क्या पिलाया उसने बयान किया दवाखाने बताए दवा गोलियां करे सब नील आ रहा था बाकी दवाखाने में इतना पता चल रहा था मुतखड़ा है 8 साल से के मुतखड़ा नहीं पिघल रहा क्या दवा गोलियां लेने के बाद में साइंस इतना आगे बढ़ने के बाद में नहीं पिघल रहा बोले तो कोई दूसरा राज है कोई दूसरी बात है क्योंकि दवा गोली जहाँ कार नहीं करती तो वहाँ कुछ और राज रहता ना भाई दवा गोली तो ऐसी है कि तुम्हारा सिर दुख रहा गोली खा लो 5-10 मिनट में राइट हो जाएगा पेट दुख रहा गोली खा लो राइट हो जाएगा मोशन लगे गोली खा लो राइट हो जाएंगे और कोई इंजुरीज है या कोई भी प्रॉब्लम है या एक्स वाई जेड कुछ भी मसला रख दो सब हर चीज के ऑपरेशन हर चीज राइट कर दे बार बार होने के बाद दुरुस्त नहीं हो रहा बार बार मेडिसिन लेने के बाद राइट नहीं हो रहा तो फिर वो कोई दूसरे दुनिया का वार रहता और वो उसको कहाँ से कार करेगा सीम सम एग्जाम्पल अगर अर्थो तुम्हारे हड्डी के अंदर दर्द है और हम जाके हार्ड स्पेशलिस्ट को बताएंगे कि मेरे पैर के हड्डी में दर्द है तो वो बोलेगा कि मैं क्या कर सकता भाई तुमको तो अर्थो डॉक्टर के पास रिफर करना पड़ेगा
जाओ मेरा दोस्त सर्जन और थोड़े उसके पास में भेज देता हूँ, तो तुमको वहां रिफर करूँ। तुम बोले नहीं 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 मैं दिमाग के डॉक्टर के पास ही जाके क्या बोलते तो हार्ट का इलाज करूंगा, हार्ट में दर्द हो रहा, छाती में दर्द हो रहा, वो दिल की ये हो रही, कौन सी नस ब्लॉक हो रही, जरा चेक करो डॉक्टर साहब। तो बोलेगा भाई मेरा दोस्त हार्ट स्पेशलिस्ट है सर्जन, मैं वहां भेजता आपको रिफर करता हूँ, वहां जाकर बताओ। मैं तो मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ, हर चीज को उसके दायरे में मुकर्रर करने वाला है और उसके ऊपर एक शख्स को महारत अल्लाह ने हासिल कराने वाली है और उससे वो उसकी खिदमत लेता। तो तुम तबीब का दर्द नहीं है, हकीम का दर्द नहीं है और डॉक्टरी का दर्द नहीं है, तो उनके पास तबीब के और डॉक्टर के हकीम के पास कैसा उसका राहत मिलेगी, कहाँ से इलाज होगा? जो चीज की तकलीफ रहेगी उसको वहीं जाकर बता के हल करना पड़ेगा ना। और पहले तो हर कोई हॉस्पिटल ही जाता, इंसान का क्या बोलते तो दिल दिमाग नहीं मानता, पहले उसको कुछ भी तकलीफ हो हॉस्पिटल जा जाकर जब थक जाता, जब हार जाता, जब कोई उसको क्या बोलते तो रिजल्ट नहीं मिलता कहीं से, तो जब उसको याद आता, जब उसको कैसा याद आता मालूम तुम्हारा? डॉक्टर लोग जो उसको खुद बोलते कि आई एम सॉरी हमने सब कर दिया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उसके हाथ में, उसके हाथ में। जब उसको याद आता पेशेंट को, अरे यार सही बात है, कोई है जो कायनात को चलाता, कोई है जो पूरे ब्रह्मांड की रचना जिसने रचा, चलो फिर अब उसको याद करिए वो ईश्वर को, फिर उसके तरह जो होते तुम, फिर तुम्हारा फैज मिलता उसके थ्रू। अगर कोई रूहानी, कोई बाहर की क्रिया, कोई तुम्हारा पैनानॉर्मल एक्टिविटीज है, कोई तुम्हारा निगेटिव ताकत परेशान कर रही, फिर तुम्हारा वहां से फैज मिलता और वहां से फिर तुम्हारा ईश्वर परमात्मा की तरफ से फिर तुमको राइट होते तुम। और दूसरी बात ऐसा रहता कि तुम ना मांगे सीख तो दफ्तर मांगो, फिर भीख किसका क्या जाने वाला, जाओ सबके दौर पे जा जाकर करो। और बार बार मैं तुम लोगों को यही बोलता कि चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने घर के अंदर सूर्य बकरा बजाओ फजर की नमाज के बाद, सुबह सुबह में दिन की सूरज की रोशनी निकलने से पहले, सूरज तुलू होने से पहले, और सूर्य यासीन, सूर्य रहमान, सूर्य ताहा, सूर्य मुजम्मिल, सूर्य इतने सूर्य, इतने चीजें कुरान की बयान नहीं कर सकता मैं, उनकी नियामतें जिसको तुम बजेंगे तुमको हासिल होंगे, उसकी फैज तुम कैसे है तो पता चलेगा। तुम भी बजा सकते ना, तुम भी सुन सकते ना, पढ़ने नहीं आ रहा तो क्या हुआ, ब्लूटूथ स्पीकर में लगाकर घर के अंदर बजाओ ना। तुम ऐसा अपने दिल से करेंगे तो क्या होगा भाई, वो ईश्वर की भक्ति तो तुम करना पड़ेगा, अल्लाह की, वो गॉड, वो खुदा, सब उसके ही नाम है। और तुम अपना मनमानिया करेंगे दिल के, तो फिर मैं यही बोल रहा हूँ ना भाई, जिसको तकलीफ होती है उसको मालूम होता, दूसरे को कहाँ से दर्द का एहसास होगा। और ऐसी हरकतें जो करते उनको तो मार पड़ती, उन्होंने बचने तो वाले नहीं है, उन्होंने सोच रहे होंगे कि हम ठंडी छाऊ में बैठ कर हम सबको कर देंगे। बेटा जिस दिन तुम क्या बोलते तो मेरे हाथ में आते ना, फिर उस दिन तुम आपको बताते ना, जैसा पेशेंट मेरे हाथ में आगा अब फिर पलटा के बताता मैं, पलट के फटके देना क्या रहते, क्योंकि तो किसी को लड़ने की इजाजत नहीं रहती, मगर इंसाफ करने वाली तलवार तो दो धारी रहती ना, पलट के तो मार पड़ेंगे तुम बहुत सारे। ओए कहाँ जा रहे, तुम्हारी ड्यूटी है वहां ठहरने की, तुम हट गए वहां से, बात मत करो, उनको कैमरा चालू है, पूरा वर्ल्ड देख रहा तुम्हारे बीच में आके, दीवानी हरकत बोलेंगे लोग। हाँ और दूसरी बात क्या बोलते, तो ऐसे बस यही मेरा कहना है, इतना ही उद्देश्य था लोगों को कहने का, मकसद मेरा ऑल थियरीज उसका कंक्लूजन इतना ही निकलता कि इबादत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, शैतान के साथी और शैतान के पुजारी मत बनो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। शैतान ने सबका बुरा करना चाहा और आज तक उन्हें खुद बुरा और खसारे में फंसे आला है, उसकी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है शैतान की, इसलिए उसके साथी मत बनो, इबादत करो और अल्लाह वाले बनो, वो उसकी भक्ति करो और एकदम सच्चा इंसान बनो। एक बात बोलू क्या तुम आपको, एक बात बोलू क्या, धर्म में बांट के बहुत बाता कर रहे ना ये बुरे जानवरों के मुंह लेके ये बदमाशा। धर्मिक इंसान, धार्मिक इंसान जो होता ना वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, धार्मिक इंसान खुद के भी धर्म पे चलता सही है, दूसरे को भी बुरा नहीं बोलता, वो कभी बुरा उस किसी के बारे में नहीं सोचता, ना जानवर के, ना इंसान के, ना किसी के बारे में नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता पूछो, अगर कोई धार्मिक इधर ठहरा और कोई इधर क्या बोलते तो अधार्मिक इंसान ठहरा, यार धार्मिक है भी वो चुप दिखावे करते, तो वो रियल धार्मिक नहीं है, तो उस पर तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, उस पर ट्रस्ट करो भी मैं डुबा देता हूँ। और धार्मिक इंसान जो रहता उन्हें हर वक्त क्या बोलते तो अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने गॉड, वो खुदा, वो अल्लाह, वो मालिक, और उसको ही फारसी में खुदा बोलते, उसको ही उर्दू में खुदा बोलते, उसको ही संस्कृत के अंदर ईश्वर, मराठी में ईश्वर बोलते, तो फिर उन्हें बार बार वो सोचते रहता कि नहीं नहीं मैं अकेला थोड़ी, मेरा ईश्वर मुझे देख रहा, मैं गलत कर दूंगा तो ईश्वर को क्या जवाब दूं, समझ गए,
इसमें मिलावट कर, नहीं नहीं मैं मिलावट नहीं कर सकता, ईश्वर देख रहा, ईश्वर मुझे क्या करेगा, माफ नहीं करेगा, पाप हो रहा वो, ऐसा बोल बोलकर सोचता वो, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, गुनाह हो रहा वो, आजाब में डाल देगा, खयामत में जहन्नुम में फेंकने लगा देगा, समझ में, नर्क में डालने लगा देगा, समझ में। तो धार्मिक इंसान कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझता, और जो इंसान अपने आप को अकेला समझता वही चोरी करता, वही मिलावट करता, वही बदमाशी करता, क्योंकि उसके साथ शैतान रहता ना। और ईश्वर वाले जो धार्मिक सच्चा इंसान रहता वो कभी किसी को परेशान नहीं करता, कोई भी धर्म करता उन्हें अपने इस वास्ते परेशान नहीं करता, पता ना, वो एक मुंगी को भी नहीं मारता, बोलता नहीं नहीं ईश्वर उसका भी जवाब लेगा बिला वजह अगर मैं इसको मार रहा हूँ, या ऐसा सब उसकी सोच वैसी रहती, मेरे को ईश्वर देख रहा, मेरे को अल्लाह देख रहा, मेरे को खुदा देख रहा, मेरे को मरना है, मेरे को खुदा को मुंह बताना, मैं कभी गलत नहीं कर सकता। और गलत करने वाले कौन से लोग रहते, शैतान के साथ, शैतान के साथ ही धर्म का चोला पहन के उल्लू बनाते फिरते लोगों को, हम धर्म वाले, हम धार्मिक गुरु, हम आपको मानो संत महात्मा, उनको संत का स नहीं मालूम, उनको महात्मा का म नहीं मालूम, उनको महात्मा की जूती की धूल नहीं वो, मगर अपने आप को महात्मा बोलते फिरते, बेवकूफ साले, नामकूला बदबकना, कुछ आता नहीं करने जाता नहीं, हम पूरी जनता को बेवकूफ बनाते फिरते, उनके लानत हो अल्लाह की और आजाब नहीं घरों का बखना। बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे राज हैं, क्या बोल दूंगा, कहने सुनने ज्यादा, अल्लाह सब कमल करने की तौफीक अता फरमाए, आगे की वीडियो में बताऊंगा कितना उनको फर्क हुआ, क्या क्या नाम है, कौन कौन से लोगों ने करे, ठीक है। चलो कौन से आए थे, चलो रोको, इनको सामान लिख कर दो जरा, जाओ सामान अमन लाउन से लिख के नेक्स्ट